हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केसेट। और आज हम बात करने वाले हैं विजय थलापति की अपकमिंग ब्लॉकबस्टर मूवी थलापति 67 के बारे में, उसी के साथ साथ मल्टीपल विलन्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको प्रॉपर अपडेट मिल सके थलापति 67 के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थलापति 67 कोई ऐसा छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसे जो डायरेक्ट कर रहे हैं लोकेश कंगराज, जो कि एक अच्छे लेवल के मास लेवल के डायरेक्टर हैं, और वो अच्छे से जानते हैं कि उनकी मूवी में छोटे छोटे एक्शन कैसे देना और अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करना है। इनकी जो भी मूवियां हैं आपको एक्शन थ्रिलर से भरपूर दिखाई देंगी। जैसे कि रिसेंटली मूवी विक्रम को अगर आपने देखा होगा तो आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि जिस लेवल का नेक्स्ट लेवल एक्शन उसमें देखने को मिला है शायद ही किसी मूवी में देखने को मिला है। थलापति 67 में विजय का लुक काफी यूनिक होने वाला है। उसी के साथ साथ यह मूवी थलापति 67 काफी मास लेवल यानी कि एक्शन से भरपूर होने वाली है। यानी कि आपको मूवी के अंदर एक्शन की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। मूवी के अगर कास्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको विजय सर के साथ साथ त्रिशा कृष्णन मैम भी दिखाई देने वाली है एज अ लीड एक्ट्रेस के रोल में। और इसे जो बनाया जा रहा है 7 स्क्रीन स्टूडियो के अंडर बनाया जा रहा है। लोकेश कंगराज की थलापति 67 के लिए इस लेवल की प्लानिंग है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इस बार लोकेश कंगराज सर थलापति 67 में मल्टीपल विलन के लिए ट्राई करने वाले हैं। इसमें यानी कि एक ही मूवी में आपको दो दो विलन दिखाई देने वाले हैं और उनसे फाइट करते हुए नजर आने वाले हैं विजय थलापति सर। इस मूवी में आपको टोटल दो विलन दिखाई देने वाले हैं। अगर फर्स्ट विलन की बात करें तो ऑलरेडी कंफर्म जो विलन हो चुके हैं वो है संजू बाबा यानी कि संजय दत्त सर। रिसेंटली मूवी KGF चैप्टर 2 में जिस लेवल का उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है एज अ अधीरा के रोल में, जो कि कोई नहीं कर सकता था, जिस खुखार लेवल पे उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है आई थिंक कोई भी अपने आप में उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था। उसी के साथ शमशेरा में भी उन्होंने एज अ विलन का रोल प्ले किया था। आई थिंक जो पब्लिक है संजू बाबा को कहीं ना कहीं विलन के रोल में देखकर बोर हो गई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। लोकेश कंगराज अच्छे से जानते हैं कि विलन को किस लेवल पे रिप्रेजेंट करना है। उसी के साथ साथ संजू बाबा यहां पर एक अच्छे एक्टर के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ विलन के तौर पर। मूवी के मेकर्स ने थलापति 67 के लिए यहां तक क्लियर कर दिया है कि मल्टीपल जो विलन रहने वाले हैं उनका लुक काफी हेवी होने वाला है, काफी खुखार दिखाई देने वाला है। संजू बाबा तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गए हैं फर्स्ट विलन के लिए। बात करते हैं सेकंड विलन की, तो सेकंड विलन में आपको दिखने वाले हैं पृथ्वीराज एस कुमारन सर, जिससे कि सेकंड विलन के लिए बात चल रही है, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि वो थलापति 67 में एज अ विलन का रोल प्ले करेंगे या नहीं। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि थलापति 67 को कोई छोटा मोटा डायरेक्टर नहीं डायरेक्ट कर रहा है, यहां पर लोकेश कंगराज डायरेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है पृथ्वीराज सुकुमारन सर इस मूवी के लिए एज अ विलन का रोल प्ले करने के लिए कहीं ना कहीं हाँ बोल दें। अगर पृथ्वीराज सुकुमारन सर थलापति 67 के लिए डिनाई कर देते हैं तो यहां पर एक और मोस्ट जो विलन का रोल प्ले कर सकते हैं वो है विजय सेतुपति, जो कि मास्टर में भी एक अच्छे लेवल का विजय थलापति के आमने सामने युद्ध करते यानी कि लड़ाई करते हुए नजर आए थे। तो अगर यहाँ पे विजय सेतुपति को एज अ विलन के रोल में देखा जाता है तो काफी भूकाल सा मच जाएगा। विजय सेतुपति एक ऐसे एक्टर हैं जो कि एक्टिंग करते नहीं है, एक्टिंग कब हो जाती है पता भी नहीं चलता है, और उनका हर एक शॉट एक कंप्लीटली एकदम 100% एकदम ऑस्कर विनिंग शॉट होता है। विजय थलापति के फैंस काफी लंबे समय से एक्साइटेड थे कि कब थलापति 67 का उनको अपडेट सुनने को मिलेगा। फाइनली मूवी का अपडेट आ गया है तो मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर थलापति 67 की शूटिंग स्टार्ट होती है तो आप तक अपडेट आ ही जाएगी। सोचिए डायरेक्टर लोकेश कंगराज की एक ही मूवी में आपको इतनी हेवी कास्ट देखने को मिलने वाली है तो सोचिए बॉक्स ऑफिस तहस महस करके रख देगी। थलापति 67 के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, उसी के साथ साथ मल्टीपल विलन्स के लिए आपकी क्या ओपिनियन है जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो या न्यू अपडेट आती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है तो आकर मैसेज कर सकते हैं या फिर क्वेरी कर सकते हैं मूवी के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।